अस्सलाम वालेकुम आदाब, मैं अफजल खान, आप सभी भाइयों का सुहास पेट होम में स्वागत है, जो कि लातूर से आए हुए हैं और लातूर में वीडियो बनाते हैं कबूतरों की शौक़ की। आप लोगों को काफ़ी मज़ा भी आता होगा, क्योंकि इतने दूर से जो बंदा मुंबई आए सिर्फ आप लोगों के लिए शौक़ की वीडियो बनाने के लिए और नॉलेज की वीडियो बनाने के लिए, तो उनका वेलकम है। सुहास भाई, आप यहाँ पर आए हमारे मुमरा में और बहुत ही अच्छा लगा। और साथ ही साथ इस वक्त हम अमन भाई के घर में मौजूद है, काफ़ी अच्छी खातिरदारी, मेहमान नवाजी, जो कि इस चीज़ में वो जाने जाते हैं और पहचाने भी जाते हैं, क्योंकि वो खाने से रिलेटेड हो या कोई गिफ्ट देने से रिलेटेड हो, सब चीज़ इनके अंदर। और इनकी जो वाइफ है उनका भी हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करेंगे कि उन्होंने काफ़ी अच्छी मेहमान नवाजी और खाना जो भी, मतलब अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छा लगा। और सुहास भाई का भी वेलकम हमारे मुमरा में एके पीजीएल लॉफ्ट पे, क्योंकि ये चार मेंबर जो इस तरफ दिख रहे हैं, खान साहब, जाकिर भाई, अमन भाई और ये अफजल भाई, ये एक ग्रुप है, चार जन का एक टीम है। और इंशाल्लाह ये चार लोग आगे चल के जो भी नई चीज़ बनेगी, और प्रोसेस चालू भी है माशाल्लाह, जो हमारे लॉफ्ट पे आ भी चुके हैं 12 पट्टे खान साहब के घर से, जाकिर भाई के पास से कुछ परिंदे गए गोल्डन, जो नायाब चीज़ है माशाल्लाह, उड़ान बेपनाह देखने के बाद उसको जोड़े में डाल के चाचा के इधर पहुंचाया गया, क्योंकि घर के अंदर जो ब्रीडिंग और जो हिसाब से चाचा वो करते हैं बहुत ही अच्छा करते हैं। और साथ ही साथ अमन भाई के पास की भी एक कबूतरी, चाचा के पास टेडी कबूतरी और एक टेडी नर है, तो ये सब इनके पास है। और कुछ बना रहे हैं कुछ आप लोगों के लिए, क्या फ्यूचर में आप लोगों को कुछ हम दिखा सके। तो सुहास भाई, आज हमारे लॉफ्ट पे आप लोगों को कुछ शौक कराएंगे परिंदों का, तो सुहास भाई आपको कुछ अगर पूछना है मुंह मीठा करा दूं तो आप पूछिए। पहले मुंह मीठा कराइए सुहास भाई का, जो हमारे मुमरा में आए। सुहास भाई इधर है चाचा, ये अफजल भाई। अरे रसगुल्ले भी भाई घर पे बने हुए, ये हमारे जाकिर भाई। अमन भाई बोल रहा, अच्छा बोले। हमारे मुस्कान भाभी का बहुत तहे दिल से शुक्रिया, जो इतना बेहतरीन रसगुल्ला, वो भी बहुत मजा आता है। ये कलकत्ता में ज्यादा फेमस है ये वाला। जी सुहास भाई, अब तो दोस्तों मैं यहाँ पे आया, इन चार जनों का जो ग्रुप है वो सही में बहुत ही अच्छा इनका दोस्ताना है और बहुत ही अच्छा रिलेशन है, तो काफ़ी अच्छा लगता है कि ऐसा मिलजुल के इन्हों शौक करते हैं। इनमें से किसी ने भी कौन सा भी कबूतर लाया या कौन सी भी ब्लड लाइन के कबूतर लाए तो ये आपस में दे देते हैं, तो ये काफ़ी अच्छा लगा। और दूसरी बात, अभी शौक से रिलेटेड कुछ बातचीत करेंगे, तो अमन भाई आपको कबूतरबाजी का शौक़ कैसा लगा एक बार बताओ ज़रा। मैं कबूतरबाज बचपन से ही था, हमारे जो मरूम उस्ताद थे अल्लाह जन्नत बख्शे, और मास्टर रजत साहब गोंडी वाले, बहुत बरेली के थे वो, बहुत फेमस थे वो, कई बाजी उन्होंने उड़ाया था, लेकिन हमारी बाजी उस टाइम में जो होती थी हमारी जो बाजी होती थी वो 5 किलो अफलातून पे होती थी, 1 किलो रसगुल्ले पे होती थी, तो वो बाजी ही अलग होती थी। अभी तो खैर अलग अलग सिस्टम आ गया कबूतर बाजी में, अलग अलग। उस टाइम में पंजाबी मद्रासी नहीं थे, हाई फ्लैट थे, ग्रेबाज थे उस टाइम में, लेकिन जैसे नीले कबूतर थे, जैसे हरे आप लोग कहते हैं, हम लोग नीले कहते थे उसको। उस टाइम में कागजी ब्रिड थी, जो कागजी ब्रिड अब ख़त्म हो गई है, देखने नहीं मिलते हैं। उस टाइम में बनारस के कागजी थे, इलाहाबाद के कबूतर थे, और कानपुर के नौसौरे थे, काले काले कौवे टाइप के कबूतर उस टाइम में रहते थे। और वो कबूतरबाज भी कुछ अलग होती थी, मतलब ऐसा होता था कि जब उस्ताद की कबूतरबाजी होती थी, जब टूर्नामेंट या मतलब बाजी लगती थी, तो जब नीचे ऐसा लाइन लग जाता था, हम लोग तो सब बच्चे थे, छड्डी पहन के घूमते थे, तो मैं देखते 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 सीखा, फिर सीखते 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 कुछ वक्त गुजरा, तो फिर थोड़ा स्ट्रगल की, वो कहते ना ये ज़िंदगी की भाग दौड़ पर मैं इतना मजबूर हो गया, कल तक था जितने करीब मेरे उस्ताद से आज उतना ही दूर हो गया। तो ये एक मतलब बेसिक है ज़िंदगी की, कि भाई कि आपको कमाना है, पेट भी देखना है, फैक्ट्री भी देखना है, फिर खुद की फैक्ट्री है तो वो भी देखना है, गैरेज देखना है। अफजल भाई तो जा चुके मेरे गैरेज पर भी,
कि खुद मैं खुद नौकरी भी करता हूँ, उसके बावजूद मैं नौकरी भी करता हूँ, सर्विस भी करता हूँ, ये मैनेजर हूँ महाराष्ट्र मुंबई का मैं। फिर अफजल भाई एक बार दोस्ती हुई हमारी, अफजल भाई आए मेरे पास, कुछ कबूतर मैंने पाला था, ये सिलफाटा गैलरी में पाला था मैंने, तो अफजल भाई को मैंने बोला कि भाई सब सेल करना है, अफजल भाई पेमेंट दिया सब कबूतर लेके गए। इसकी पहले आपकी वीडियो में बता चुका हूँ मैं कि नर भी भाग कर आया था, मादी भी भाग कर आई थी, तो मैंने रिटर्न दिया था। तो ईमानदारी पहले से ही है, ईमानदारी का कभी भी मतलब वो नहीं हुआ कि भाई मैं किसी के ले लूँ दूँ नहीं या किसी से, क्योंकि इज्जत से बढ़ के दोस्त कुछ नहीं होता। इज्जत है तो दोस्त भी है, रिश्ते भी है, इज्जत ही नहीं तो फिर कुछ मतलब नहीं बनता। तो अफजल भाई का तो पहले शुक्रिया अदा करूँगा तहे दिल से, क्योंकि आज अमन मस्ती क्लब को अमन मस्ती क्लब बनाने में, अमन भाई को यूट्यूब पे आज फेमस करने में अफजल भाई का बहुत बड़ा किरदार रहा है। और बहुत ही भाई ने उन्होंने मतलब मुझे गाइड किया, छोटा भाई समझ के गाइड किया है। और कभी मतलब ऐसा हमारी दोस्ती ऐसी कि हम किसी पतले कान के हम तो नहीं है, तो भाई वही थी हम लोगों की दोस्ती थी, निराली थी भाई। और आज भी है जाकिर उस्ताद हमारे, हम लोग मोहब्बत से जाकिर उस्ताद कहते हैं इनको। और चाचा है हमारे, बहुत अच्छी ब्लीडिंग करते हैं, सेटअप वगैरह इनका बहुत अच्छा है। और ज़्यादातर ये मतलब बच्चे निकाल के देते हैं उड़ाने के लिए, और जिसके अलग अलग तौर पे रिजल्ट हम लोगों को समझ में आता है। सुहास भाई का भी शुक्रिया कि भाई वो लातूर से यहाँ तक आए। और दोस्तों के बारे में यही कहूँगा कि कहीं पर बोल लिए तुम बिन, कहीं पर सोच लिए तुम बिन, भरी महफिल में भी तन्हा अकेले हो गए तुम बिन, ये पिछले चंद बरसों की कमाई साथ है मेरे, कहीं पे हंस लिए तुम बिन, कहीं पे रो लिए तुम बिन। सो शुक्रिया दोस्तों। एक अहम बात बताना चाहूँगा मैं, एक सरप्राइज़ गिफ्ट है आज सुहास भाई के लिए, लेकिन ये गिफ्ट जो है ये हमारे तरफ से तो है लेकिन हमारे उस्तादों की तरफ से भी है, जिसमें सबसे पहले मैं नाम लेना चाहूँगा श्री राज साहब का लखनऊ से, और आनंद कुमार साहब मुंबई से, साथ में केसर साहब, जूनियर साहब, सचिन साहब वेस्टर्न लाइन मुंबई से, और अमित भाई और अतुल भाई, इन सभी के तरफ से, पूरे आरके ग्रुप की टीम की तरफ से सुहास भाई को हम एक छोटा सा गिफ्ट पेश करते हैं। दोस्तों अफजल भाई के हाथों ये गिफ्ट इनको दिया जाएगा। अफजल भाई सुहास सबको दीजिए, वेलकम है सर आपका मुंबई में। थैंक यू। तो सुहास भाई कुछ बोले सर। थैंक यू अमन भाई, आपने बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे मेहमान नवाजी भी की और बहुत ही अच्छा सा खूबसूरत और प्यारा तोहफा दिया है। अभी कैसा है, अभी इधर मुंबई में आके अफजल भाई से मिलके, अमन भाई से मिलके बहुत ही अच्छी इन्हों मालूमात भी देते हैं और जानकारी भी देते हैं, तो इस वजह से इन्हों भी बहुत ही मुझे अच्छा लगते हैं और इनकी मैं तहे दिल से रिस्पेक्ट करता हूँ।